ये अभियान पूरे देश भर में और पूरे प्रदेश में आने वाले दिनों में जिला मंडल और प्रत्येक बूथ पर वॉल पेंटिंग नारों का लेखन होगा, कमल के चिन्ह का पेंटिंग होगी। ये अभियान पूरे प्रदेश में प्रत्येक बूथ स्तर पर चलने वाला है। वैसे आज स्थापना दिवस भी है, उसको लेकर के और क्या कार्यक्रम है और क्या नई रणनीतियां बनाई गई? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन देश भर के कार्यकर्ताओं ने सुना है। देश भर के लाखों कार्यकर्ताओं ने उनका लाइव उद्बोधन सुना है और जयपुर में मुख्यालय में भी हम सब लोगों ने लाइव उनको सुना है। पूरे माननीय मोदी जी के और माननीय अध्यक्ष जी के भाषण से सभी कार्यकर्ता में जोश और उत्साह है। वहाँ फिर हमारे स्वच्छता सैनिकों का सम्मान भी हुआ है, वॉल पेंटिंग का कार्यक्रम भी शुरू हुआ है और सामाजिक सप्ताह भी हमारा शुरू हुआ। इस नाते कई कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे और माह के अंत में मन की बात का कार्यक्रम और इसी दरमियान जन आक्रोश यात्रा भी हमारी पहले हर शक्ति केंद्र पर गई थी, फिर विधानसभा पे बड़ा कार्यक्रम हुआ था, अब जिला मुख्यालय पर आक्रोश का जन आक्रोश का कार्यक्रम हो रहा है। भीलवाड़ा में मैं गया था, आप देखिए कि राजस्थान की सरकार जनता की आवाज़ को दबाने के लिए कैसे लाठीचार्ज कराया, वाटर कैनन का उपयोग किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज लाउड स्पीकरों में रोक है हनुमान जयंती, इसीलिए मैंने कहा कि ये राजस्थान है या तालिबान है, ऐसे तालिबानी आदेश राजस्थान में कभी नहीं निकले। क्या किसी त्योहार को बनाना प्रतिबंध सरकारें कब से लगाने शुरू कर दी? आज झंडा लगाओ तो इनको ठीक नहीं लगता, भगवान श्री राम के नारे लगाओ तो इनको ठीक नहीं लगता, भजन गाओ तो उनको ठीक नहीं लगता, कोई शोभा यात्रा निकले रामनवमी पे और नववर्ष पे तो इनको ठीक नहीं लगता। आखिर क्या करना चाहती है राजस्थान की सरकार?